नमस्कार G24 लाइव न्यूज में आपनु स्वागत छे। मंत्री ईश्वर सिंह पटेल नर्मदा जिला ना प्रशासन साथे विभागीय कामगिरी ना संदर्भे समीक्षा बैठक नु आयोजन कर्यु हतु। गुजरात ना सहकार रमत गमत युवा अने सांस्कृतिक प्रवृत्तियो साथे तथा वाहन व्यवहार विभाग ना राज्य कक्षा ना मंत्री ईश्वर सिंह पटेल आज तेमना नर्मदा जिला ना प्रवास दरमियान राजपीपळा कलेक्टर कचेरी कॉन्फरन्स हॉल खाते जिला कलेक्टर DSR सहित मंत्रीना खाताना विविध विभागीय अधिकारों साथे उच्च स्तरीय बैठकनुं आयोजन कर्युं हतुं। विभाग द्वारा अमली प्रजा कल्याणलक्षी योजनाओ अंतर्गत थयेली कामगीरीनी विस्तृत समीक्षा करी हती अने हजी पण सघन अमलीकरण थकी आ कामगीरी वधु झड़पी बनी रहे ते मांगे जरूरी मार्गदर्शन पूरुं पाड्युं हतुं। बैठकने अध्यक्ष स्थानेथी संबोधता सहकार राज्यमंत्री ईश्वर सिंह पटेले जणाव्यु हतुं के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी अने नायब मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेलना नेतृत्व हेठळनी आ राज्य सरकार द्वारा समाजना छेवाड़ाना जरूरियातमंद व्यक्तिओने विविध सरकारी योजनाओनो लाभ मळे तेमना विस्तारमां ज सरळताथी मळी रहे तेवा सरकारनी नेम रहेली छे। त्यारे कोईपण जरूरियातमंद लाभार्थी सरकारी योजनाओना लाभथी वंचित न रही जाय तेनी पूरती काळजी अने तकेदारी राखवानी तेमणे खास हिमायत करी हती। तेमना पोताना विभाग सहित अन्य विभागों ने लगता जिल्लाना अगत्यना अनेक ताकीदे उकेली मांग लेता प्रश्नों बाबते आ बैठक अगाउ जिल्लाना पदाधिकारीओनी साथे बैठक में थयेली रजूआत परत्वे संबंधित अधिकारीओने तेओने झड़पी निकाल लावा माटे सूचन कर्युं हतुं। वधुमां जणाव्युं हतुं के प्रजाजनोए तालुकालक्षी सुविधाओ पड़े अने लोकोने प्रश्नोनुं निराकरण जल्दीमां जल्दी आवे तेवी विजन सरकारनी कामगिरी करवामां आवशे। गौतम व्यास, ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदा। नर्मदा जिल्लामां आजे मारा विभागनी सरकार रमतगमत युवक सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति अने वाहन व्यवहार विभागना प्रश्नों अने ए सिवायना अन्य प्रश्नों पण मारा जिल्लाना कार्यकर्ताओ द्वारा सांभळीने एनो हल केना थई शके एने लईने ए मीटिंग पछी कलेक्टरशी DDOશ્રી અને અધિકારીઓશ્રી સાથેની પણ મીટિંગ કરી આ કામો જે એનો ઝડપી નિકાલ આવા પ્રશ્નોનો અને એના અનુસંધાનમાં આજે સિંચાઈના રમતગમતના વાહન વ્યવહારના આરટીઓના એસટીડીપોના અનેક પ્રશ્નો આવ્યા હતા એ પણ ટૂંક સમયની અંદર એનું નિરાકરણ આવે માટેના પ્રયત્નો સરકાર દ્વારા પણ છે અને અધિકાર સૂચના આપી છે એ ટૂંક સમયમાં એ કામો પણ થવાના છે। જે રીતે સરકારનું વિઝન છે કે વ્યક્તિઓએ તાલુકા કક્ષા સુધી આવવું ન પડે એ લોકોના પ્રશ્નોનું એમના જે કષ્ટના જે ગામો છે ગામોની અંદર એમનું કામો થાય દાખલા તરીકે પેલા અન્ય દાખલાઓ માટે આપણે તાલુકા મથકે જવું પડતું હતું હવે કષ્ટના જે ગામો છે ગામની અંદર જઈને એના કામગીરી જે થઈ રહી છે એને લઈને લોકોએ તાલુકા કક્ષા સુધી ધક્કા ન ખાવા પડે એ પ્રકારની કામગીરી સરકાર દ્વારા થઈ રહી છે।